प्रकाश सर, दिव्यश सर, इस पेरेंट्स मीटिंग में आए हुए सभी अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। नमस्कार। आज की इस मीटिंग को सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए और इस मीटिंग का जो खास मकसद था कि ये इस साल की हमारी पेरेंट्स मीटिंग जो थी वो लास्ट वाली पेरेंट्स मीटिंग थी, तो हमें ये लग रहा है कि आज तक हमारे बच्चे सिस्टम में थे, अच्छे पढ़ रहे थे, आज के बाद हमारे बच्चे घरों में बैठ जाएंगे। लेकिन घरों में बैठने से पहले मेरा जो आए हुए यहाँ पर सभी अभिभावक हैं उनसे आग्रह रहेगा कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। बच्चे यहाँ से घर जाकर जैसे घर में आराम से बैठ जाते हैं, अपने काम काज में बिजी हो जाते हैं, अपने काम में बिजी ना हो बल्कि उन बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगाया जाए और जो कमियाँ घटियाँ रह जाएँ, जैसे कि जो पेरेंट्स अनपढ़ पेरेंट्स हैं वो अपने साथ वाला कोई पढ़ा लिखा है तो उसकी मदद ले सकते हैं, अगर खुद पढ़े लिखे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर आसपास वाला भी कोई सहयोग नहीं करता है तो ये हमारे सर जब अपने घर चला जाएंगे तो आप इनको फ़ोन करके पूछ सकते हो कि हमारे बच्चे की फलानी कमी है सर, इस कमी को दूर किया जाए। तो आज तक हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हमारे सर अच्छा सहयोग करेंगे और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ आप बच्चों से कि आपको घर में बैले नहीं बैठना है, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। धन्यवाद। और हमारे ये बच्चों के प्रबंध जितने भी हैं इनके बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे यहाँ पर मंथली जो मीटिंग 26 तारीख को होती है और जो भी पेरेंट बच्चों के हैं जिसको कमी पेशी है कि हमारा बच्चा पहाड़ा नहीं पढ़ सकता है या कोई मैथ नहीं कर सकता है या कोई अंग्रेज़ी या साइंस में कोई भी फर्क है कि हम मास्टर जी को या किसी को भी हम यहाँ मास्टर जी को हम बता सकते हैं कि हमारे बच्चे में ये कमी है। दूसरा मैं यहाँ कि अब हमारा जो साल जो है ईयर्स जो है एंड हो रहा है, दूसरा कि बच्चों को अब छुट्टियां हो रही हैं, स्कूल से अलविदा हो रहे हैं और मास्टर भी इनके साथ भी इनको भी स्कूल आएंगे भी और घर में भी रहेंगे, लेकिन बात यह है कि हमें जितने भी पेरेंट हैं बच्चों के घर में माँ है बाप है, बच्चों की पढ़ाई का थोड़ा ध्यान रखें और अपने बच्चों को ज़्यादा काम में कम और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लगाएँ। हम लोग जो पहाड़ी लोग जो हैं हम ज़्यादा ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा आज घास काटेगा या हमारा बच्चा ज़मींदारी में शमूलियत रहेगा कि हमें जब छुट्टियां हो जाती हैं हम बच्चों की ज़रा ध्यान बहुत कम देते हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे यहाँ मास्टर जी हैं कि पर मंथली जो है यहाँ मीटिंग होती है, लेकिन हम लोग जो है आ नहीं पाते हैं कि हम अपने मशगूल हमें अपने कामों में मशगूल होते हैं कि हम बोलते हैं हमारा बच्चा गया है सबूत जाने मास्टर से जाने उनका काम, तो हम इसलिए कि हम सब बच्चों की पढ़ाई की तरह तवज्जो रखें और इससे आगे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। शुक्र। रेस्पेक्टेड प्रकाश सर और जितने भी यहाँ हमारे बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमारे इस पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में आए, और हम जब भी आप लोगों को बुलाते हैं तो आप लोग मीटिंग में आते हो, तो अब तो हमारा ये रूटीन बन गया है कि हर महीने की 26 तारीख को आप आते हैं, तो ये जितने भी लोग हमारे यहाँ आए हैं आप इसी तरह से आइंदा हमें कोऑपरेट करेंगे और सर्दियों में आप अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे और जितना भी हम बच्चों से फिजिकली तो हम दूर होंगे, अपने घरों में होंगे, बच्चे अपने घर में होंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चलती ही रहनी है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी पेरेंट्स को कोई चीज़ पूछनी है अपने पढ़ाई के रिलेटेड, तो वो हमें 24/7 कॉल कर सकता है, वो पूछ सकता है बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी डर के कि पता नहीं मास्टर किस काम में बिजी होंगे। हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, जिसके लिए सरकार हमें अच्छी खासी पे देती, तो आपने उस चीज़ से घबराना नहीं, ठीक है? तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू।